हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं TIFR के बारे में। ठीक है, PhD एडमिशन के लिए या फिर इंटीग्रेटेड PhD के लिए। तो सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूँ, गूगल पे सर्च करना TIFR GS एंड जो फर्स्ट लिंक आएगा इस पे जस्ट ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो ये फर्स्ट वन है आप देख रहे होंगे, इस पे GS 2021 इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सारे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। ठीक है, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, डेट ध्यान रखना, इसका जो एग्जाम होगा 7 मार्च को होगा और एग्जाम फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट आपका है जो है वो 31st है। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, तो आप डेट ध्यान रखेंगे। जो लोग भी PhD में इंटरेस्टेड है, मीन्स जो PhD करना चाहते हैं, MSc कर लिए हैं, या फिर जो लोग BSc कर लिए हैं या BSc ऑनर्स कर लिए हैं, इस टाइप की कोशिश कर रखे हैं और वो चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड PhD करें, तो ये दोनों कैंडिडेट जो MSc कर लिए हैं या जो BSc कर लिए हैं, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में भी आपको बता दूं, यहाँ पे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और कंप्यूटर साइंस। तो आप जिस भी स्ट्रीम के हैं आप अपने करस्पॉन्डिंग स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज मैं क्लियरली बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो PhD के लिए आपका मास्टर रिक्वायर्ड है, बट जो इंटीग्रेटेड PhD है उसमें MSc फर्स्ट ईयर के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स जो MSc सेकेंड ईयर में है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है कि जो MSc सेकेंड ईयर में है, मीन्स जो अभी पास आउट करेंगे 2021 में, वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते इंटीग्रेटेड PhD के लिए। तो अब वो नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे PhD के लिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है स्कॉलरशिप, तो इसमें ये बेनिफिट है कि आपके पास चाहे नेट हो, JRF हो, गेट हो, कोई हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप क्वालिफाइड है तो ठीक है, अगर क्वालिफाइड नहीं है तो आपको JRF के इक्विवेलेंट फेलोशिप मिलेगा। दैट इज CSIR नेट JRF में कितना मिलता है, 31,000 मिलता है, उतना ही इसमें भी मिलेगा विदाउट नेट गेट चेट। ओके, एंड CSIR नेट JRF या गेट में जो SRF मिलता है, SRF फेलोशिप आपका 35,000 है, वो भी इसमें 35,000 मिलेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है रिसर्च के मामले में, बहुत ये कह लो कि इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूशन है या टॉप लेवल का इंस्टीट्यूशन है। तो आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट के, इवन तो एक बेनिफिट और है कि जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कम ही स्कॉलरशिप मिलते हैं, इंस्पायर हो गया और भी स्टेप्स हैं, बट ये MSc में, बाकी टेक्निकल कोर्स में इतने फेलोशिप मिलते हैं, बट ये MSc के लिए जो बायोलॉजी करेंगे उनको 60,000 एंड HRA भी देगा। ठीक है, यहाँ पे HRA क्लियरली मेंशन है, तो ये HRA भी मिलेगा इनकी तरफ से। और अगर सिलेबस की बात किया जाए तो मैंने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा क्वेश्चन पेपर के लिए, तो आप वहां से क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, जो कंबाइंड है, एक ही बार मैंने 2010 से लेकर 2020 तक, 2019 तक का कंबाइन किया हुआ है। ओके, और यहाँ पे सिलेबस है, तो सिलेबस आप देख सकते हैं पार्ट वन एंड पार्ट टू के लिए, और क्लियरली आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिंक क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इसमें मेनली इन लोग अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। सैंपल भी दिया हुआ है, तो सैंपल देखने की कोई जरूरत नहीं है खास, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेंगे, वो सफिशियंट है। ठीक है, और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर लिखा हुआ, तो सिंपली क्या करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ठीक है, इसका पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया था, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। इसका यहाँ पर स्टूडेंट्स लॉग इन दिया हुआ है, जो लोग रजिस्टर्ड कर लिए हैं वो अपना यहाँ पे लॉग इन करके अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने मेंशन किया हुआ कि आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर करेक्ट देना है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपके ईमेल आईडी पे कम्युनिकेट किया जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक रहा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारा डिस्क्रिप्शन इन्होंने मेंशन किया हुआ। ठीक है, और बॉटम में आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलता है, यहाँ से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म खुल जाता है। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे एक इंटरफेस खुल गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। अब यहाँ से आप, मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें, आप पहले जैसे फोटो हो गया और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे मेंशन है, आप सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले रेडी कर लेना। ये नहीं कि अप्लाई करते वक्त आपको फिर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो। एक चीज आपको पता होगा, आपका फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो हर जगह जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज फोटो और यहाँ पे जो ईमेल मोबाइल नंबर लिखा है, जैसे मैंने बताया, ये क्लियरली आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अभी आगे भी है इसमें, तो वो सब आपको पुट करना है, तो उसमें मैं ज्यादा नहीं, ज्यादा डिटेल्स में, जिनको अप्लाई करना होगा वो इसमें डिटेल्स में जाके देख सकते हैं। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फी की बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेल कैंडिडेट के लिए 1200 है एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए
600 है ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स का क्यूरी आया था कि सर हमारा फी कट गया है बट हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ऑनलाइन पेमेंट के बाद आपका एक दो दिन तक लग सकता है रिसीव होने में उनके पास पेमेंट, तो आप एक दो दिन तक वेट कर लीजिए। अगर एक दो दिन में आपका पेमेंट अपडेट नहीं होता है तो आप क्या करिएगा, एक पेमेंट स्टेटस के रिगार्डिंग इस ईमेल पे एक ईमेल भेज दीजिएगा ठीक है। जनरली एक दो दिन लग जाता है तो आपको एक दो दिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है ओके। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे इसके बाद पेमेंट करने, तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको लॉग इन करके इस वेबसाइट पे अपना एप्लीकेशन नंबर देख लेना है, जो एप्लीकेशन नंबर जेनरेट होगा आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम उसको आपको कहीं नोट डाउन कर लेना है ठीक है। तो वो आपको पेमेंट स्टेटस एंड बाकी जैसे एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने का तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल पर मिल जाएगा, जो ईमेल आप रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज करेंगे ठीक है। और टेस्ट टाइमिंग दो टाइमिंग है, मॉर्निंग में है इवनिंग में है। मॉर्निंग टाइम है आपका 9:30 से 12:30 और इसमें इन तीन सब्जेक्ट्स का होगा, बाकी जो 2:30 से है वो आपका बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स का है। मींस जो मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 7 मार्च को ही सेकेंड बैच में होगा, मींस दैट इज 2:30 से उनका एग्जाम होगा ठीक है। तो आई थिंक इससे रिलेटेड जो भी क्यूरी है आप इस सेंटर भी देख सकते हैं, इससे पहले तो शायद सेंटर लोग नहीं शो किए थे बट अब सेंटर भी शो करें कि आप किस किस कहाँ कहाँ सेंटर दे सकते हैं। तो आप यहाँ से पहले सेंटर देख लेंगे कि आपको आप जिस रीजन में है तो कौन सा आप सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस सेंटर पर भी देना चाहें ओके। और एप्लीकेशन प्रोसीजर जो पूरा मैंने बता दिया वही सारा चीज यहाँ पे मेंशनड है ओके। तो आई थिंक ये काफी हेल्पफुल रहेगा, तो आप जो लोग भी पीएचडी में इंटरेस्टेड है आइदर इंटीग्रेटेड पीएचडी और रेगुलर पीएचडी आफ्टर एमएससी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। इसमें जेआरएफ की इक्विवेलेंट आपको फेलोशिप मिलेगा और वो भी पूरे उतने ड्यूरेशन के लिए जितना सीएसआईआर नेट जेआरएफ में मिलता है, तो ये एक तरह से आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अच्छे इंस्टीट्यूशन से पीएचडी करने का ठीक है विद फेलोशिप। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे के पास भी सर्कुलेट करिएगा और शेयर करिएगा इस इन्फॉर्मेशन को ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट ले सके ओके। तो थैंक यू।